अब रुख करते हैं खबरों की ओर। मुंबई से खबर जहां पर शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार जो उठा है और यहां पर निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर दंश की गई है और साथ ही साथ आज के कारोबार में आईटी बैंकिंग रियल्टी और मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली है। एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में खरीदी रही जबकि ऑटो और एफएमसीजी शेयरों पर दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1181 अंक के साथ 61,795 स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 328 अंक के साथ 18,356 के स्तर पर बंद हुई।